कोई बात नहीं, आने दो उनको, तब तक कुछ स्टार्ट करें हम लोग। कोई बताओ बच्चों, कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? याद दिलाओ कोई मुझे, टॉपिक क्या पढ़े थे? टॉर्क, टॉर्क हम लोग स्टार्ट किए थे, बिल्कुल सही बात। टॉर्क हम लोग बच्चा लोग स्टार्ट कर चुके थे, है ना? टॉर्क वाले क्वेश्चन ही कुछ और करें बेटा हम लोग। तो देखो बेटा, एक बच्चा लिख रहा है टाऊ जी टाऊ लिखते हैं TAU, तो बच्चा लिखा ताऊ जी, TAUJI, ताऊ जी पढ़े थे हम लोग चलो ताऊ जी पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है सर। यो, ओके यो। अब चलो देख बच्चा, टॉर्क वाले क्वेश्चन करें बेटा आगे, और जितने क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, साथ दो क्वेश्चन किए थे, दो क्वेश्चन किए थे बेटा हम लोग। चलो कुछ और क्वेश्चन करें। तो देख बच्चा, क्वेश्चन देखा जाए, देखो पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया? थोड़ी देर बाद चलेगा, अभी अभी इंक गया इसके अंदर है। तो देखो बच्चों, हम लोग को टॉक निकालना आ चुका था, है ना? बस एक और क्वेश्चन देख के देखते हैं बेटा। देखो मान लो, एक हमारा बॉडी है बेटा, एक बॉडी है स्क्वायर शेप का, ठीक है बच्चा? साइड लेंथ ए, साइड लेंथ ए, और ये भी साइड लेंथ ए, ठीक है बच्चा? सब साइड लेंथ ए है। इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए। इस वाले पे एक ऐसे फोर्स लग रहा है बेटा एफ, है ना? यहां से परपेंडिकुलर, और यहां से इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग, यहां से ऐसे लग रहा है बेटा ये भी फोर्स एफ, ठीक है? इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग एक यहां भी लग रहा है फोर्स एफ, ठीक है बच्चा, है ना? और देखो, इसके मिड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से फेस करता हुआ यहां से ऐसे लग रहा है बेटा टू एफ, है ना? और यहां से ऐसे फेस करता हुआ एक ऐसा लग रहा है बेटा फोर्स, ये लग रहा है ऐसे फोर्स, ये लग रहा है थ्री एफ, है ना? तो सवाल कहता है फाइंड नेट टॉर्क, फाइंड नेट टॉर्क अबाउट ए, ठीक है बच्चा? तो ए वाला पॉइंट के अबाउट बताओ नेट टॉर्क कितना होगा, ठीक है? चलो करो करो बच्चों। चलो करो, तो सर वीडियो क्वालिटी गड़बड़ है आज। ब्लड बिल्कुल नहीं नालायक, एकदम परफेक्ट है स्क्रीन। निकालो रिजल्टेंट टॉक निकालो। स्क्रीन इज जस्ट परफेक्ट। साहिल का आंसर आ गया, प्रशांत मिश्रा का आंसर आ गया, एक स्वामी जी का भी आंसर आया है, और राहुल बाबा कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए राहुल बाबा। हेलो सर। बोलो। सर नो डाउट, नो डाउट, ओके थैंक यू। मैं आयुष्मान। यस सर। कोई डाउट? यस सर डाउट है सर, पूछो। आपकी शादी हुई है सर, ठोके हैं? क्या मेरी शादी हुई है? क्या क्या बे, कोई लड़की देखा है क्या मेरे लिए मेरी उम्र जो हो गई ना बच्चा,
अब लड़की नहीं तेरे को आंटी देखनी पड़ेगी आंटी। बेटा मेरे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं बेटा, तुम्हारे इतने बड़े तो नहीं है, छोटे तुमसे हैं। इतना बोल के चुप हो गया, चला गया। एक से एक नौटंकी बच्चे हैं भैया, मानना पड़ेगा। चल देख बेटा मैं करता हूं, बहुत सारे बच्चों का आ गया आंसर। अभी अक्षय उठाया हाथ, बोलो अक्षय। हेलो सर। हेलो, बोलो सर। वो सर वो इस ये इंपल्स सर आप पढ़ाए थे ना? हाँ सर, उसमें जब कोई मास किसी स्ट्रिंग के एंड पे मतलब खींचता है या फिर किसी फोर्स से जब वो दूर जाता है तो सर वो इंपल्स ड्यू टू टेंशन किस डायरेक्शन में लगता है वो नहीं पता चल पाता है। हमेशा स्ट्रिंग के पैरेलल टेंशन इंपल्स का, टेंशन का इंपल्स बच्चा हमेशा स्ट्रिंग के लाइन पे होगा, है ना, पुलिंग फोर्स। इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स होगा वो नहीं पता चलता। हमेशा इनवर्ड होगा बेटा, रस्सी जो है ना हमेशा, रस्सी बेटा हमेशा खींचती है, रस्सी कभी तक हिलती नहीं, है ना। तो देखो बच्चा अब देखा जाए सोल्यूशन इसका। देखो तो बेटा इस वाले पॉइंट के बोर्ड निकालना है टॉर्क, है ना। तो बोलो बेटा इस वाले फोर्स का बताओ, इसको मैंने मान लिया फोर्स वन, इसको मान लिया टू, इसको मान लिया थ्री, इसको मान लिया फोर और इसको मान लिया फाइव, है ना बेटा। तो बताओ जो टॉर्क वन है बच्चा उसके लिए फोर्स क्या हो गया, एफ ना बेटा, और ये ए, देख रहे हो ना बेटा एंगल 90 डिग्री है ना, एंगल बेटा 90 डिग्री है ना बेटा। तो एंगल जब 90 डिग्री है तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, एफ ए हो जाएगा। बोलो टॉर्क हो जाएगा बच्चा एफ इंटू ए, ठीक है। अब गौर करो इस पे ये बेटा कि जब ये एफ इंटू ए है तो इस वाले का टॉर्क किस डायरेक्शन में बताओ, कैसे घुमा रहा है उसको, बोलो बच्चा किस डायरेक्शन में घुमा रहा है बेटा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, सही कहा बिल्कुल। ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है ना बेटा, इसका मतलब जो टॉर्क होगा बेटा ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब चलो टॉर्क टू आओ, सेकेंड टॉर्क, इसके लिए देख बच्चा ये भी क्या बोलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोल बेटा इस फोर्स के लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या आएगा, बोल तो बच्चा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या आएगा, बोलो ए बाई टू आएगा, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा टू एफ इंटू ए बाई टू, टू कट गया। अब बोलो बच्चा कैसे घुमाएगा ये वाला फोर्स इस लाइन को कैसे घुमाएगा, ऐसे खींचेगा तो बोलो 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 बेटा। मैंने पूछा ना ए के अबाउट, इसका मतलब ए ही हमारा ओरिजिन है बेटा, ए ही हमारा ओरिजिन है। कितना बेटा, क्लॉकवाइज ना, ये ऐसे नहीं घुमाएगा बेटा, बोलो इसका टॉर्क ऐसे ना होगा, बोलो ठीक है। तो ये टॉर्क हो गया बच्चा क्लॉकवाइज। अब चलो थर्ड वाले का, थर्ड देख बच्चा, थर्ड ओरिजिन से ही पास कर गया ना, इसका मतलब थर्ड वाले का टॉर्क जीरो। अब चलो टॉप फोर, टॉप फोर देखो बच्चा ये फोर्स है ना बेटा। अब देख परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का बेटा ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो कितना लिखेगा, ए बाई टू इंटू थ्री एफ, किधर हो जाएगा बेटा, ये कैसे घुमाना चाहता है, ये ऐसे ना बेटा, बोलो इधर ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। और देख बेटा इसके लिए टॉप फाइव इक्वल टू, देखना बेटा ये ऐसे लग रहा है फोर्स, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बेटा, देख ये वाला होगा ना बेटा, बोल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा बेटा, और ये कितना होगा, ए बाई रूट टू। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये ए बाई रूट टू इंटू एफ, ये किस डायरेक्शन में, ये बेटा क्लॉकवाइज, ये ऐसे धकेल रहा है ना तो ऐसे घुमाएगा बेटा, है ना। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को प्लस माइनस मानो बेटा, इस वाले को अगर मैंने मान लिया प्लस तो ये है बेटा माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस, इसका मतलब बेटा नेट टॉर्क इक्वल टू ये प्लस एफ ए, ये माइनस माइनस एफ ए, ये प्लस प्लस
थ्री एफ ए बाई टू, ये बच्चा माइनस एफ ए बाय रूट टू। तो देख बेटा एफ ए कॉमन ले ले, एफ ए कॉमन ले ले, कितना हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस वन बाय रूट टू। ठीक है लिख लो। अरे क्या इतना लिख रहा है, ब्लड है, कोई ब्लड नहीं स्क्रीन, एकदम परफेक्ट है स्क्रीन। देखो एकदम परफेक्ट है स्क्रीन, मैं भी देख रहा हूं मोबाइल में, जब गड़बड़ होगा तो मैं खुद उठ जाऊंगा, चिंता मत करो। तुम बनाओ सवाल, तुम क्वेश्चन करो, बाकी मैं देख रहा हूं बच्चा। सही लोग हर क्लास में कर रहे हैं आज, करने दो, थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे हैं, मस्ती करने दो। देख बेटा दुनिया में हर चीज का सीमित स्टॉक है बेटा, लिमिटेड स्टॉक है ना, मस्ती का, खुशी का, एंजॉयमेंट का, हर चीज का स्टॉक लिमिटेड है। जो मस्ती पहले कर लेगा उसको बाद में मस्ती खत्म हो जाएगी उसकी, लेकिन जो मस्ती बाद में करेगा, मस्ती अभी मेहनत करेगा, वो ज्यादा एंजॉय करेगा। चलो बनाओ, थ्री बाई टू एफ कैसे आया? अरे बच्चा थ्री एफ कैसे आया देख लो, देख लो थ्री एफ कैसे आया, फोर्स लिखा है थ्री एफ ना, थ्री एफ बेटा क्वेश्चन में ही लिखा है ना बेटा। टॉर्क सेंटर के अबाउट थ्री निकालना है, टॉर्क ए के अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना हो उसी पे ध्यान देने का, बाकी कहीं और देखने का नहीं। ठीक है अब चलो आगे देखो। देख बेटा अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा टॉर्क अबाउट पॉइंट। ठीक है अब देखो टॉर्क अबाउट एक्सिस। ठीक है बच्चा, देखो बच्चा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ठीक है टॉर्क अबाउट एक्सिस। अच्छा हैंड क्यों रखा रखा है रेज, बोलो सिद्धार्थ। नेटवर्क पूरा बेटा, बहुत ही पूरा नेटवर्क हमारा, आवाज बहुत ही बेकार आ रही है। हर्षद बोलो, हर्षद क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया, ओके। नहीं सर वो बीच थोड़ा बीच में पूरा भयानक ब्लर हो गया था सर, अब ठीक है। ओके देख बच्चा टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस और टॉर्क अबाउट पॉइंट है ना, समझ ध्यान से। मान ले बच्चा एक रॉड, एक रॉड ऐसे लटका है, एक रॉड ऐसे लटका है बेटा, इस रॉड पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसे फोर्स लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसे फोर्स लगाओगे तो भी चलेगा। मतलब ये जो रॉड है बेटा देखो ये कैसे भी घूम सकता है, बोलो इस रॉड के घूमने की कोई सीमा नहीं, बोलो बेटा एज्यूम कर पा रहे हो ना? ठीक है लेकिन सोचो जैसे मैंने इस रॉड को कैसे भी घुमा दिया, क्या बेटा घर के दरवाजे को ऐसे हिला सकते हो, घर के दरवाजे को ऐसे घुमा सकते हो? नहीं नहीं बेटा घर का दरवाजा ऐसे नहीं घूमेगा ना, बोलो दरवाजा जो है किसी खास एक्सिस के अबाउट ही घूमेगा, बोलो बात समझा ना? ठीक है देखो बच्चा जैसे कि इमेजिन करो ये मैंने कहा बेटा ये हमारा दरवाजा है बेटा और ये हमारा एक्सिस है ना, तो देख बच्चा जब भी ये दरवाजा घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे से घूमेगा बेटा, बोलो यही तरीका है ना, ये दरवाजा बेटा ऐसे ऐसे नहीं घूम सकता, बोलो बेटा ऐसे नहीं घूम सकता ना, है कि नहीं? अब सोचो ध्यान दो ये दरवाजा बेटा ऐसे ऐसे घूम सकता है, इसका मतलब इसका जो हिंज है बच्चा वो यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे वो ऐसे ऐसे ही घूम सकता है, ऐसे ऐसे नहीं घूम सकता है ना, सुनना ध्यान से। तो बोलो बेटा अगर मैं कहूं ये आर है और मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है बच्चा है ना बेटा, ऐसे फोर्स लगाया,
तो बोलो बेटा ये आर और फोर्स में कितना एंगल है, ये आर में और फोर्स में कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना, तो क्या टॉर्क नहीं बन रहा, क्या आर क्रॉस एफ जीरो है, नहीं ना बेटा, टॉर्क तो है लेकिन ये बॉडी घूम नहीं सकता, बात समझ रहे हो ना, तो ऐसा टॉर्क बेकार हो गया, ऐसा टॉर्क क्या हो गया बच्चा, कोई काम का नहीं है ना, क्या कहोगे, कोई भी टॉर्क जो बॉडी के प्लेन में लगे, फोर्स जो इस बॉडी के प्लेन में हो, मतलब ऐसा 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 सारा क्या है सब बेकार हो गया, है ना बेटा, यहां कौन सा फोर्स काम आएगा बताओ, जो बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलर हो, है ना बेटा, दरवाजे के प्लेन से जो परपेंडिकुलर हो बच्चा, सिर्फ वही फोर्स घुमा सकता है ना, दूसरा कोई फोर्स नहीं घुमा सकता, बात समझे बेटा, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस में क्या होता है, तो कहां देखो बेटा, कहेंगे पहला पॉइंट कहेंगे बेटा कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस मींस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस मींस टॉर्क वेक्टर, टॉर्क वेक्टर पैरेलल, टॉर्क वेक्टर पैरेलल टू द एक्सिस, टॉर्क वेक्टर पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, टॉर्क वेक्टर कैसा होना चाहिए, एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, टॉर्क का वेक्टर एक्सिस से पैरेलल, है ना बेटा, ठीक है, कहेंगे टॉर्क इन एनी अदर डायरेक्शन, टॉर्क इन एनी अदर डायरेक्शन, है ना बेटा, विल नॉट बी यूजफुल, समझा बेटा, वो क्या होगा, ये काम का टॉर्क नहीं होगा, बात समझे बेटा, टॉर्क का वेक्टर कैसा होना चाहिए, टॉर्क का वेक्टर उसके एक्सिस के पैरेलल, फिर देखना, फिर देखो ये दरवाजा ऐसे घूमने के लिए फ्री है, तो देखो बेटा इसका कैसा हो गया एक्सिस, इसका ये हो गया एक्सिस, है ना, ये वाला इसका एक्सिस है, अब देखना अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे फोर्स लगाऊं, तो देखो बेटा ये आर हो गया और ये एफ हो गया, है ना, तो देखो आर क्रॉस एफ, आर हो गया बेटा कैसे, ऐसे आर हो गया हमारा ऐसे, और फोर्स हमारा था अंदर की ओर, तो आर क्रॉस एफ कैसा हो गया, ऊपर की तरफ, आर ऐसे और एफ ऐसे, तो आर क्रॉस एफ ऊपर आ गया बच्चा, है ना, एक्सिस के पैरेलल, अब मैं कहूं इस वाले पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे इधर की तरफ, तो क्या कहोगे, ये आर और ये एफ, तो क्या हो बच्चा, ये आर और ऐसे एफ, तो ऐसे हो गया बेटा आर, है ना, और ऐसे लग रहा है फोर्स बाहर की तरफ, तो आर क्रॉस एफ कैसे हुआ, नीचे की तरफ, क्या दिख रहा है, एक्सिस जब जब इस लाइन की होगी बेटा पैरेलल, तब तक हमारा बॉडी घूमेगा और किसी के अबाउट नहीं घूमेगा, समझ में आया बेटा, तो टॉर्क निकालने का यही तरीका है, ठीक है, लिख लो इसको, लिख ले बच्चा, मितेश बोलो, क्लियर हो गया सर, ओके बच्चा, अब चलो देखो बच्चा, अब मैं कहूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब अगर मैं कहूं बच्चा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, ठीक है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कहोगे, कहोगे बेटा इफ इफ नेट रिजल्टेंट, इफ नेट रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू जीरो, है ना बेटा? क्या हो, बॉडी पे लगने वाले सारे टॉर्क का रिजल्टेंट क्या हो बच्चा, जीरो हो जाए, है ना? देन द बॉडी इज कॉल्ड, देन द बॉडी इज कॉल्ड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आया बच्चा? क्या कहोगे, अगर बॉडी पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं बेटा, सारे फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो, है ना, तो क्या कहते हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चा? जो तुम पहले इक्विलिब्रियम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, सारे फोर्स का रिजल्टेंट जीरो, वो क्या था, वो था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा? अब मैं कह रहा हूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो, तो क्या कहेंगे बेटा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सॉरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझा बेटा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अलग है बच्चा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अलग है, है ना? सुनना ध्यान से। अब बोलो बेटा, तुमने सेंटर ऑफ मास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, बोल तो, पढ़ा था ना? बोलो, सिग्मा एफ बराबर एम ए सी एम, पढ़ा था ना? अब बताओ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, तो कहेगा रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तो बोलो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू जीरो है ना बेटा? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, जीरो है बेटा। ठीक, अब सुन, मान लिया बच्चा ये जो हमारा बॉडी है ना, इस बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, बोल, इस बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, होगा? चलो मान लेते हैं इसका, छोड़ो इस, बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां देखो, इसका बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लो, यहां मैंने पकड़ लिया, वहीं पे सेंटर ऑफ मास है ना? तो देख बेटा, अब इसको कैसे भी घुमाऊं, सेंटर ऑफ मास एक्सीलेट किया क्या, सेंटर ऑफ मास एक्सीलेट किया क्या, नहीं ना बच्चा? तो सेंटर ऑफ मास के कितना एक्सीलरेशन, जीरो। इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बेटा। लेकिन बताओ रोटेशनल है क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है क्या, नहीं है ना बच्चा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन रोटेशनल नहीं है। ऐसा हो सकता है ना बेटा, बोल, कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम ना हो, है ना बच्चा? ये भी हो सकता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो नहीं हो लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो। देखो, ये देखो रॉड, रॉड हमारा ऐसे जा रहा है, क्या ये घूमा बेटा, ये रॉड घूमा क्या, नहीं ना? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है लेकिन ट्रांसलेशनल, देखो ट्रांसलेशनल में एक्सीलरेट कर सकता है, ये ट्रांसलेशनल में ये एक्सीलरेट कर सकता है, बोलो। तो ये क्या था, ट्रांसलेशनल नॉट एन इक्विलिब्रियम बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना बेटा? तो ऐसा भी हो सकता है कि ना तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो ना रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो, है ना बच्चा, है ना? तो ऐसे बहुत सारे केस पॉसिबल है बेटा, ठीक है? अब हम एक स्पेशल केस लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या लेके बढ़ रहे हैं, मैं एक केस लेके बढ़ रहा हूं बच्चा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बेटा? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब कहलाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब कहलाएगा बेटा, जब क्या हो, ऐसा इक्विलिब्रियम जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो, ऐसा इक्विलिब्रियम जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो, है ना बेटा, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो, है ना बेटा? ये दोनों का दोनों इक्विलिब्रियम हो। समझ में आया बेटा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जब दोनों होगा बच्चा, है ना, प्लस दोनों साथ में होगा, तब तुम क्या बोलोगे बेटा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है? इसके लिए क्या कंडीशन, तो कहोगे लगने वाले सारे फोर्स का रिजल्टेंट जीरो, है ना बेटा? इसमें क्या कहोगे, लगने वाले सारे टॉर्क का रिजल्टेंट जीरो, है ना बेटा? समझ में आया? जब ये दोनों बातें एक साथ होंगी तो हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आया बेटा, ठीक है, क्लियर, ठीक है बेटा, है ना? अब मुझे बताओ ये बॉडी का एक्सिस किधर है, किधर है एक्सिस,
यहाँ है ना, इसके मतलब टॉर्क इसी के अबाउट निकालना है ना। अब बताना किधर है एक्सिस, अब बोलो किधर है एक्सिस, तो क्या बोलोगे, इस वाले पॉइंट से पास करता हुआ परपेंडिकुलर है ना बेटा। तो अब सोचो, जब मैंने तुम्हें ये घूमता हुआ दिखाया, जब मैंने तुमको घूमता हुआ दिखाया, तब तुम पहचान पाए ना बेटा एक्सिस है कि नहीं। अगर मैं ऐसे पकड़े रहूं सिर्फ, अब बोलो बोलो कहां है एक्सिस, बता पाएगा नहीं ना बेटा, नहीं बता पाएगा ना, है कि नहीं। अब कहो इसका मतलब यह हुआ है घूम रहा है कि नहीं, नहीं घूम रहा है बेटा। अब पूछूं, बताओ किस पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा है, तो कहो क्या बकवास सवाल है ना। जैसे कि तू किसे पूछ कि तेरे पास हेलीकॉप्टर है, तो बोलेगा नहीं है हेलीकॉप्टर, तो पूछना कौन सा हेलीकॉप्टर नहीं है, काला वाला, पीला वाला, लाल वाला, हरा वाला, कौन सा नहीं है। तुम मारेगा एक थप्पड़ खींच के, बोलेगा ढक्कन, जब मेरे पास हेलीकॉप्टर है ही नहीं तो इसका मतलब कोई भी लगा नहीं है, है ना। वैसे ही जब ये नहीं घूम रहा है, इसका मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चा, कि सारे एक्सिस के अबाउट टॉक जीरो होगा। बोलो इसका मतलब किस पॉइंट के अबाउट ये सोचने की जरूरत नहीं, तो किसी के अबाउट मान ले, हर बार सेम आंसर आएगा, है ना बेटा। तू किसी भी पॉइंट के अबाउट मान लेगा तो आंसर सेम, ठीक है। इसलिए जब यहां लिख रहा हूं ना बेटा मैं, तो यहां पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं, देखो कि तुम्हारी जो मर्जी हो, जो तुमको पसंद आए, है ना बेटा, उस वाले पॉइंट के अबाउट तुम कर लेना टॉक जीरो, ठीक है बेटा, ठीक है, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा तुम पहले इसको लिख लो, तुम पहले लिख लो इसको, शिवम बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर, मेरे को ये पूछना था कि आपने सर टॉक का जो पहला पॉइंट लिखाया सर, वो क्या बताना चाह रहा है, ये वाला नहीं सर, टॉर्क का सर, टॉक अबाउट एन एक्सिस मींस टॉर्क वेक्टर पैरेलल टू द एक्सिस। हाँ बेटा, टॉर्क वेक्टर है ना, यस सर। जैसे मान ले ऐसे पॉइंट पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, है ना बच्चा, तो yes, इसका टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन कैसे है, तो कहोगे देखो ये आर वेक्टर, यस सर, ऐसे फोर्स तो आर क्रॉस एफ, कैसे हो गया टॉर्क वेक्टर, ऐसे ना आया, यस सर। इसी इसी अंगूठे के पैरेलल अगर एक्सिस होगा तभी वो काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा, यस सर। थैंक यू जी सर, सो मच यस, थैंक यू सर। चल देख बच्चा एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है बेटा क्या, देखो क्वेश्चन कहता है कि डंडा मान ले, ये मान ले बच्चा एक डंडा है ना, कैसा है ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, है ना। अब देखो इसको इस तरफ से एक धागा बांध दिया, इस तरफ से एक धागा बांध दिया बच्चा, है ना। इस रॉड का मास m है और लेंथ l है। अब देखो बेटा यहां से यहां, यहां पे एक और धागा बांध दिया, यहां पे एक और धागा बांध दिया, और ये जो इसकी लंबाई है बेटा, दूरी ये है l बाई थ्री, ये दूरी कितनी है l बाई थ्री, ठीक है बेटा। तो सवाल कहता है कि ड्रॉ एफ बी डी फ्री बाई डायग्राम एंड फाइंड टेंशन इन बोथ थ्रेड, दोनों धागों में टेंशन क्या होगा, ठीक है बच्चा। मुझे बताओ ये रॉड मूव कर रहा है क्या, ये रॉड एक्सलेट कर रहा है क्या, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ना बेटा। अब बताओ ये रॉड रोटेट कर रहा है क्या, ये रॉड रोटेट कर रहा है क्या, नहीं ना बच्चा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों बातें है ना, ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है और सॉल्व करना है, करो बच्चा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पूरे ईमानदारी से एकदम सोच सोचे करना बेटा, कोई गलती मत करना, नहीं बने चलेगा है ना, लेकिन तुम कोशिश करते रहो, गलत आंसर मत देना इस सवाल का,
ठीक है, नहीं बने इक्वेशन फॉर्म कर लो, फंस जाओ चलेगा, लेकिन गलत आंसर नहीं करना है अभी, है ना। ध्यान से, ध्यान से, कोई भी गलत कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करना, हर काम सोचे करो। कहता है बॉडी का फ्री पेटाग्राम बनाओ और दोनों धागों में टेंशन निकालो, गलती हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कोई करना गलती ना हो, हर चीज सोचे करो, थोड़ा टाइम लेना, जल्दीबाजी नहीं करना। नहीं धागे बेटा अलग अलग है ना, धागे अलग अलग है ना बच्चा, तो टेंशन डिफरेंट लो, सेम नहीं लो। हाँ बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, मिड पॉइंट पे। हाँ बेटा, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल सही कहा, दिस इज द सिस्टम ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। आंसर आया, कुछ बच्चों का आंसर आया है, कुछ बच्चों का आंसर आया है। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देखो बच्चा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां बेटा, बोल, मिड पॉइंट पे होगा बेटा, तो सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, बोलो, सेंटर ऑफ मास से बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब देख बच्चा, इस धागे का टेंशन मैंने मान लिया T1, इस धागे का टेंशन मैंने मान लिया T2, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं, अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं, है ना बेटा, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मुझे बोलो बेटा क्या लिखूं इक्वेशन, क्या लिखूं इक्वेशन, क्या लिखूं, बोलो बोलो, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, बोल बेटा, कोई दिक्कत, T1 प्लस T2 बराबर mg, कोई दिक्कत किसी को, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है बच्चा, है ना बेटा, क्लियर, ठीक है। विकास, व्हाट्स गोइंग ऑन, बेटा जितने सारे बच्चे जो हो ना, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट चाहिए है कि जब तुम ऑफलाइन क्लास में आना, ऑफलाइन क्लास में आना ना, तो इतनी ही बदमाशियां करना मेरे क्लास में, बिल्कुल मेरी क्लास जरूर करना ऑफलाइन में, और प्लीज इतनी बदमाशियां करना, ये तेरे आगे के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होगा, है ना, हो सके थोड़ा ज्यादा करना, लेकिन कम से कम इतना जरूर करना,
एक बार करोगे वो आखिरी बार करोगे, है ना। देखो वीडियो चला रहा है, स्क्रीन शेयर कर रहा है नालायक कहीं का, हाँ एक नंबर का ढक्कन है भाई। लगता है इसके बाबूजी घूस लेके पैसे कमाते हैं, है ना बेटा। जो लोग ये बच्चे ऐसा करते हैं ना, इनका मतलब बच्चे वो हैं जिनसे सोचते हैं कि उनके पापा जो हैं ईमानदारी से नहीं बेईमानी से कमाते हैं, है ना, इसलिए पैसे का मोल नहीं समझते। ये पैसे का मोल नहीं समझते हैं, मतलब क्लियर है। क्यों नहीं समझते होंगे? क्योंकि पैसे की कदर नहीं पता इनको, है ना। एक लिखा लिख रहा है सर आप मारते हो क्या? अच्छा मारना नहीं चाहिए क्या? हाँ मारना सिर्फ क्या शरीर से ही होता है? घुसा लात मारना यही होता है? बहुत सारे तरीके हैं बेटा, वो तो लास्ट है, वो तो आखिरी एक्सट्रीम है। जब सारी सीमाओं को लांग जाए तब उसके बाद, है ना। लेकिन बिना हाथ पैर चलाए भी बहुत गंदा उसको प्रसन्न किया जा सकता है किसी को भी। तो सारे बच्चे बेटा आना ऑफलाइन क्लास में, जरूर आना, मेरी क्लास करना और इतनी बदमाशियां करना। चलो देखो ये हमारा हो गया बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब आया जाए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देख बेटा अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो बोल बेटा ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, ये किसके अबाउट लेंगे? जल्दी बोलो। यहां कहेंगे बेटा नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, किसके अबाउट? बोलो बोलो। हाँ अभी थोड़ा ब्लर्ड है, बिल्कुल सही बात। एक मिनट रुक जाओ, सही हो जाएगा वीडियो, एक मिनट में सही हो जाएगा वीडियो। तुम लोग चैट बंद करो, ऑफ कर रहा हूं चैट। वीडियो सही होगा तभी आगे लिखूंगा मैं, रुक जाओ एक मिनट लगेगा सही होने में। हाँ अब ठीक हो गया। देखो बच्चा, तो देख बेटा ये हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना, और रिएक्टेंट टॉर्क बराबर जीरो किसी भी पॉइंट के अबाउट, रिएक्टेंट टॉर्क बराबर जीरो किसी भी पॉइंट के अबाउट बेटा, है ना। तो देख बेटा अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो करना है ना, तो हम इसके अबाउट कर सकते हैं, इसके अबाउट कर सकते हैं, इसके अबाउट कर सकते हैं, या किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं। हम चाहे तो एक यहां पॉइंट मान करके इसके अबाउट भी जीरो कर सकते हैं। सुनो सब लोग ध्यान से बातों को सुनो, तुम चाहो तो किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हो, है ना बेटा। लेकिन अब सोचो किस वाले करने में फायदा है, है ना बेटा। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में अननोन सॉल्व करने ना बेटा, बोलो हमें वेरिएबल सॉल्व करने है ना, बोलो। तो क्या करना पड़ेगा ये सोचो कि अगर किसी एक वेरिएबल को हम गायब कर दें, है ना, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्या करोगे, किस पॉइंट के अबाउट टॉक लोगे बताओ? जिस पॉइंट के अबाउट कोई एक फोर्स पास कर रहा हो, ठीक है बेटा। किस पॉइंट के अबाउट? जहां से कोई फोर्स पास कर रहा हो उसके अबाउट लोगे ना तो करने में फायदा होगा, ठीक है बेटा। तो देखो इस वाले पॉइंट से फोर्स पास किया बेटा, यहां से पास किया और यहां से पास किया, है ना बेटा। तो इन तीनों में किसी के अबाउट है ना। अब सोचो अगर मैं इसके अबाउट लेता हूं बेटा, अगर मैं इसके अबाउट लेता हूं तो एक नुकसान है। क्या नुकसान है बोलो? कि जो एक ऐसा फोर्स जो कि नॉन फोर्स है ना बेटा, इस नॉन फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, बोलो, है ना। जबकि हमें किसी का करना था बोलो, अननोन को, है ना। तो क्या करो, इस ए या इस बी वाले पॉइंट के अबाउट किसी का ले लो, है ना बेटा। तो चलो मैंने ए के अबाउट कर लिया, है ना बेटा। तुम चाहो तो बी के अबाउट कर सकते हो। तो देखो बेटा ए के अबाउट टॉर्क लोगे तो इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, बाकी दोनों का टॉर्क आ जाना बेटा।
तो बोलो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कैसे घुमाना चाहता है, जल्दी बोलो, ये घुमाना चाहता है कैसे, ऐसे घुमाना चाहता है ना बेटा, ठीक है। और देखो ये वाला फोर्स जो है बेटा ये कैसे घुमाना चाहता है, ये ऐसे घुमाना चाहता है, तो दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में है बेटा या अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में है बेटा या अपोजिट, जल्दी बताओ। क्या होगा बेटा, सेम या अपोजिट? ओ चैट ही बंद कर दिया मैंने तो, हाँ ओपन कर दिया, बोलो। तो प्लस या माइनस, एडिशन या सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन। तो क्या बचा बेटा बोलो, तो हो गया एम जी इंटू कितना डिस्टेंस, ये हो गया एल बाई टू, तो एम जी इंटू एल बाई टू माइनस ऑफ टी टू इंटू कितना बेटा टू एल बाई थ्री, ये एल बाई थ्री तो ये कितना हो गया टू एल बाई थ्री, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू जीरो, इसका मतलब टी टू इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, टी टू इक्वल टू हो गया थ्री एम जी बाई फोर। अब इसको पुट करना इक्वेशन नंबर वन में, इसको पुट करो इक्वेशन नंबर वन में, तो कितना हो जाएगा बेटा टी वन इक्वल टू एम जी बाई फोर। समझ में आया, क्लियर? हाँ सेंटर ऑफ मास के बोर्ड कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के बोर्ड कर सकते हैं, टेंशन मत लो, सभी के आंसर करने पे आंसर सेम ही आएगा, सभी के आंसर करने पे सेम ही आंसर आएगा, ठीक है बच्चा। बोलो सौरभ, सौरभ बोल बच्चा, कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। दीपक, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, क्या कर रहे हैं सर? हम टाइम पास कर रहे हैं तुम्हारे साथ, टाइम पास भी कर। सीट तुम बोलो सर, अगर हमें कहीं पे एक्सेलरेशन दिखाना है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे दिखाना होता है, और अगर कहीं पे फोर्स दिखाना है तो उसके सेंटर पे दिखा दे। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा ना, तो फोर्स चाहे बॉडी पे कहीं भी लगे, है ना, जब नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करोगे तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास के बोर्ड लिखना, ठीक है। और सर फोर्स सेंटर से दिखा देंगे? नहीं बेटा, फोर्स कहीं से भी दिखाओ, जहां लग रहा है फोर्स वहीं पे दिखाओगे फोर्स। ओके सर। कशिश बोलो बेटा, हर्षद सर एल बाई टू होगा ना सर, एम जी इंटू एल बाई टू सर। यहाँ बेटा, हाँ सर। हाँ एक्सेस कहाँ लिया बताओ सर? ये बी बी वाले पे। नहीं बेटा, लिखा है ना टॉर्क अबाउट ए बराबर जीरो, ए को लिया है मैंने एक्सेस, ए के, है ना बेटा, ए को लिया है मैंने बेटा एक्सेस, क्या हो जाएगा एम जी इंटू एल वाई टू, है ना, तो मतलब परपेंडिकुलर होगा सर इसीलिए। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। तो देखो बच्चों, ये तुम लोग के लिए एक सबक है, है ना, कि ज्यादा उल्टे पुल्टे ग्रुप में आईडी वाईडी शेयर मत किया करना। तुम लोग आईडी वाईडी शेयर करते हो ना, कि बच्चा पूछता है कि आईडी क्या है, आज मैं क्लास नहीं किया, आईडी देते हो किसी को आईडी पासवर्ड, है ना, ये उसका नतीजा है। चलो आगे देखो बेटा, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देख बेटा, सवाल ये है फिर से वैसा ही क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन बेटा, लेकिन थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा अंतर क्या है कि रॉड थोड़ा तिरछा कर दिया मैंने, रॉड थोड़ा तिरछा कर दिया बेटा, है ना, एक पॉइंट को यहां से रस्सी बांध दी बेटा, है ना, और एक रॉड को टेंशन यहां बांध दिया बेटा,
ठीक है, दो रस्सियां हैं, दोनों की लंबाई अलग अलग है बेटा, है ना, और ये हमारा एंगल बेटा 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे एक मास भी यहाँ बंधा हुआ है बेटा, यहाँ पे एक मास ही बंधा हुआ है रिंग, ये भी मास m है और ये रॉड भी मास m है, समझे बच्चा, मतलब टोटल मास कितना हो गया 2m हो गया, ठीक है, और ये जो दूरी है बेटा ये हमारी l बाई 5 है, तो कहता है फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, ठीक है बच्चा, चलो करो, दो मास हो गया जीरो, बोलो किसके अबाउट, बोलो बच्चा किसके अबाउट टॉक जीरो, किसके अबाउट, अभी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है अर्षित, तो अब मैं फाइट पकड़ चुका हूँ, अब तुम लोग फोन लगाते रहो मुझे चल देख बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, देख बेटा रोटेशनल अगर हमारा इक्विलिब्रियम है तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से देख बच्चा किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉक जीरो ना, तो देख बेटा किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉक जीरो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉक जीरो करना है तो क्या कहा था मैंने, जो अननोन फोर्स हो उसके अबाउट टॉक जीरो करोगे तो फायदा होगा बेटा, तो देखो बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट से बेटा अननोन फोर्स पास कर रहे हैं ना, बोलो है कि नहीं, तो इन दोनों में से किसी एक को मान लो बच्चा, चलो मैंने कह दिया नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट कौन, ये वाला पॉइंट, तो देखो बेटा अब mg का टॉर्क, तो बोलो बेटा mg इसको कैसे घुमाना चाहता है, mg इसको कैसे घुमाना चाहता है, देखो देखिए बेटा mg इसको ऐसे घुमाना चाहता है ना, mg के साथ क्या लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी दूरी होगी बेटा, ये एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब अच्छा ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l by 2 into cos 30, तो बच्चा होगा ठीक है, अब सोचो इस वाले का टॉक देखो बेटा इसका क्या होगा, इसका होगा t2 into ये बेटा l by 5, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चा 4l/5 है ना, ठीक है 4l/5 into cos 30, बोल बेटा होगा होगा ठीक है, अब देखो बेटा इसका टॉप क्या होगा mg into यहां से आया कितना डिस्टेंस, ये होगा बेटा l, लेकिन इसका भी देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा l cos 30, बोल बेटा होगा होगा बेटा, अब देखो इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में, इसका टॉर्क देखो बेटा इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस तो ये माइनस, बेटा इसका टॉर्क देखो बेटा इस डायरेक्शन में, ये भी हमारा प्लस, इन दोनों का सेम और ये अपोजिट इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा एम जी इंटू एल बाई रूट 3/2 माइनस टी टू इंटू 4l/5 इंटू रूट 3/2, जरूरत नहीं बच्चा सब में cos 30 कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना बच्चा बोलो, ये हो जाएगा बेटा एम जी एल बाई टू, सब में एल भी कैंसिल कर लो, एम जी बाई टू है ना बच्चा माइनस 4t2/5 है ना बेटा 4t2/5 और यहां बेटा प्लस एम जी L भी कैंसिल इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बच्चा t2 4t2/5 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 3mg/2, बोल बेटा होगा ना, इसका मतलब क्या आ गया बच्चा t2 इक्वल टू हो गया 15/8,
15/8 mg. अब इसको पुट कर बेटा यहाँ पे, तो t1 कितना हो जाएगा बच्चा, 1/8 mg. बोलो बेटा समझ गया है? ठीक है लिख लो बेटा. ऋतिक बोलो भाई. हेलो हेलो सर. हेलो सर पूछना है पूछो सर. यहाँ mg को लिए हैं यहाँ इधर राइट साइड में. अच्छा अब समझ में आया मेरे को लो साउंड क्यों बोल रहे थे बच्चे. हाँ बोलो बोलो फिर से पूछो. सर ये राइट साइड में mg को लिए हैं मतलब जो L/5 के बगल में लिखा हुआ है. मैंने वहाँ दो मास दिया था क्वेश्चन में. मैंने अच्छा, कहा था यहाँ दो मास है, एक रॉड का मास और एक पॉइंट मास. ठीक है ठीक है थैंक यू. देख बच्चा इरेज कर दूं, इरेज कर रहा हूं बच्चों इरेज. पूछना है सतेंद्र को. बोलो सतेंद्र क्या पूछना है बेटा. हाँ सर मैं ये पूछ रहा था जो आप रिंग का टॉर्क निकाल रहे हैं तो उसमें mg × L cos 30° लिखे ना, तो L वहाँ पे L/5 ऐड करके लिखेंगे ना बेटा. रॉड की लंबाई पूरी एल है. अच्छा अच्छा रॉड हाँ, के एंड पे लगा बेटा पॉइंट मास है ना. यस सर यस सर. इरेज कर दे रहा हूँ बेटा. यस सर. देख एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरा ब्लूटूथ वाला ऑफ हो गया. अभी ब्लूटूथ वाले की बैटरी खत्म हो गई इसलिए तुम लोग को पहले आवाज कम आ रही थी, अभी आवाज सही आ रही होगी. मैं मोबाइल के माइक पे ले लिया. देखो बच्चा क्वेश्चन देखो बेटा. एक चीज लिख नोट में, एक पॉइंट लिख लो नोट में, एक पॉइंट लिखो. फोर्स बाय हिंज है ना बेटा, फोर्स बाय हिंज है ना बेटा. तो देखो बेटा हिंज क्या बोलेंगे, हिंज समझते हो हिंज. जैसे कि दरवाजे में तुमने देखा होगा बेटा, दरवाजे में जो लगा होता है कब्जा उसी को हिंज बोलते हैं. हिंज मतलब पूरा फिक्स नहीं है बच्चा. हिंज मतलब जिसके अबाउट वो घूम सकता है, जिसके अबाउट वो घूम सकता है. ठीक है बच्चा है ना. तो देखो बेटा हिंज का जो फोर्स होगा ना बेटा ये एक अननोन फोर्स है. हिंज का फोर्स एक अननोन फोर्स है ना. अननोन फोर्स मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता और उसका डायरेक्शन भी नहीं पता. ठीक है बच्चा है ना. तो हिंज का फोर्स क्या कहोगे, तो कहोगे ऑलवेज ऑलवेज एज्यूम्ड, ऑलवेज एज्यूम्ड इन टू कंपोनेंट्स. समझा बेटा, हमेशा क्या करोगे इसके दो कंपोनेंट मानोगे है ना. क्या क्या, एक fx और दूसरा fy. ठीक है ये x और y तुम अपनी मर्जी से कहीं भी मान सकते हो. ठीक है बेटा x और y अपनी मर्जी से कहीं भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि हर बार दो कंपोनेंट लेंगे. ठीक है बच्चा, क्योंकि अननोन फोर्स है ना, तो इसका पता है मैग्नीट्यूड ना ही पता है इसका डायरेक्शन. लिख लो. यस बोलो बेटा. सर आपने आपने वो एक मैम मास ऐड किया था तो वो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा रॉड में, रॉड में. ना बच्चा सेंटर ऑफ मास के पिक पे कितना मास लेंगे बताओ, 2 mg ना. हाँ लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तब ना. मैं निकाला ही नहीं, मैं सिंपल दो मास लेके काम कर लिया ना. अच्छा यस. नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा बेटा है ना. ठीक है सर. आकृति बोल बच्चा. सर वो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकाले, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा. टॉर्क का डायरेक्शन मान लास्ट सवाल में यूं था ना बेटा, बताओ ऐसे फोर्स था, ऐसे फोर्स था, ऐसे फोर्स था, ऐसे फोर्स था है ना. हाँ बेटा हमने एक्सिस यहाँ पे लिया था ना. बोलो. यस सर. तो बोलो इस वाले फोर्स का टॉर्क बनेगा क्या.
जो फोर्स बेटा एक्सिस से पास कर जाए उसका टॉर्क नहीं, नहीं, हाँ। उसका नहीं बनेगा ना, तो बेकार हो गया। अब बताओ ये जो फोर्स लग रहा है बेटा, ये वाला फोर्स इस रॉड को कैसे घुमाना चाहेगा? नीचे। नीचे नहीं बोलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं बेटा, ऐसे खींचेगा ना तो ऐसे घुमाना चाहेगा ना, ये क्लॉकवाइज ना हो गया, समझी? ओके सर। अच्छा आप बोलो, यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये कैसे घुमाना चाह रहा है? ये वाला फोर्स इस रॉड को कैसे घुमाना चाह रहा है बेटा? नहीं आया बेटा। अगर ये फोर्स लगेगा, बाकी फोर्स भूल जाओ, इसको देखो, अगर ऐसा फोर्स लगेगा तो क्या होगा? इस रॉड को ऊपर खींचेगा ना बेटा, बोल। हाँ। खींचना चाहेगा ना, तो देखो रॉड अगर ऐसे है, वो वाला पॉइंट ऊपर खींचेगा तो कैसे घूमेगा रॉड? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, और बोलो ए वाला फोर्स कैसे घुमाना चाहता है? यहां से खींचेगा नीचे तो कैसे घूमेगा रॉड? ऐसे ना, क्लॉकवाइज। अब समझ में आ गया बच्चा? हाँ, थैंक यू सर। ओके, अब देख बेटा क्या क्वेश्चन, देखना बच्चा ध्यान से। मान लो मैं कहूं बेटा एक रॉड, देखो बेटा रॉड ऐसे ऐसे घूम सकता है ना, ऐसे घूम सकता है ना। अब मान लो रॉड को यहां से हिंज हो गया, यहां पे हिंज हो गया। अब मैं कहूं ऐसे करके कुछ ऊपर करके इसको ऐसे रोक सकते हैं ना, बोलो? ऐसे इसको रोक सकते हैं ना, बोलो, है कि नहीं? तो देखो बेटा पता सवाल, ऐसे एक रॉड है, है ना? और इसका मतलब क्या हो गया? तो कहोगे इसका मतलब हो गया हिंज, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है ना बेटा। अब मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट दे दिया, ठीक है, क्या है ये? इसको नाम बोलते हैं बेटा पिन सपोर्ट। इसको क्या बोलोगे? पिन सपोर्ट। हल्का सा टच करेगा बस, मतलब वहां से सिर्फ नॉर्मल फोर्स आएगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये लंबाई कितनी? तो L/4, यहां से यहाँ L/4 और पूरी लंबाई L, रॉड का मास M, ठीक है बच्चा। और वर्टिकल से जो एंगल है ये 37 डिग्री है ना बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय हिंज, है ना बेटा। कहता है हिंज के फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल, ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। अब देखो इसको मैं ही निकालूंगा, तुम लोग इसको सीखो बेटा। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, मैंने कहा मान लो ये हमारा रॉड है बेटा, है ना। इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है बच्चा, वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg, बोलो, ठीक है बेटा। यहां से कांटेक्ट में है ना, तो यहां से कांटेक्ट में है बेटा, तो कौन सा फोर्स आएगा यहां से? नॉर्मल फोर्स ना आएगा बेटा। नॉर्मल फोर्स कैसा होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब बच्चा सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल होगा बेटा, होगा। अब देखो इस वाले पॉइंट पे आएगा बेटा हिंज फोर्स। हिंज फोर्स के बारे में क्या कहा था? दो कंपोनेंट मानना, fx और fy, है ना बेटा। अब सुनना ध्यान से, कोई चाहे बेटा तो ऐसे बोल सकता है fx, ऐसे मान सकता है fx, और ऐसे मान सकता है बेटा fy, बोलो, बात समझे, है ना बेटा, है ना। और कोई चाहे तो बेटा ऐसे भी मान सकता है, ऐसे बोलेगा fx और ऐसे बोलेगा fy, बोल बेटा, ठीक है। तो इसका टेंशन कभी मत लेना, है ना, बस तुम्हें दो कंपोनेंट मानने हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चा। तो चलो मैंने अभी ऐसा मान लिया, ठीक, तो मुझे बताओ बेटा अभी मुझे इन दोनों में, है ना, किस फोर्स का कंपोनेंट करना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए? कंपोनेंट किसका करूं, बोलो, एमजी का, बिल्कुल सही बात। तो देखो बेटा एमजी का अगर मैं कंपोनेंट करूं तो कैसे हो जाएगा बेटा, बोलो? एमजी का बेटा कंपोनेंट हो जाएगा इधर, एमजी
cos 37 और इधर बच्चा mg sin 37 होगा बेटा बोल mg cos 37 और mg sin 37 ठीक है बेटा समझे ना बात। अब देखना बेटा इस वाले केस में पहले बात करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ना बच्चा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ठीक है तो क्या कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स एक्स में जीरो रिजल्टेंट फोर्स वाई में जीरो। तो देख बेटा इस डायरेक्शन में एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है ना बेटा अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब क्या हुआ एफ एक्स बराबर एम जी साइन 37 इसका मतलब हो गया बच्चा 3/5 एम जी इक्वेशन नंबर 1 बोलो बेटा होगा क्लियर है बेटा है ना। अब देखो बेटा अब मैं कहूं कि ऐसा करो बेटा कि फोर्स वाई में सोचो तो क्या हुआ एन और एफ वाई और एम जी कॉस 37 तो क्या होगा बच्चा एन प्लस एफ वाई बराबर एम जी कॉस 37 है ना बेटा ठीक है। तो क्या होगा इसको यहां इस्तेमाल कर लो अभी रुक जाओ तो क्या होगा एन प्लस एफ वाई बराबर 4/5 एम जी बोलो बच्चा इक्वेशन नंबर 2 एक मिनट कट गया था विजुअल रुको आगे बात समझ में ठीक है। अब देखो बेटा अब मैं बात करता हूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम का तो देख बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है देखो क्या कि रिजल्टेंट टॉर्क बराबर जीरो है ना बेटा रिजल्टेंट टॉर्क बराबर जीरो है ना बेटा रिजल्टेंट टॉर्क जीरो करो किसी पॉइंट के अबाउट चलो मैंने इसको मान लिया पॉइंट ए इसी को क्यों माना तुम पूछ सकते हो इसी को क्यों माना तो देखो बेटा ये ऐसा पॉइंट है जिससे कितने सारे फोर्स पास कर रहे हैं देखो एफ एक्स पास किया एफ वाई पास किया है ना mg sin 37 पास किया बोलो है ना बेटा तो इसके अबाउट करने से फायदा है क्या फायदा है कि ज्यादातर फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा बोलो है ना बेटा जितने ज्यादातर फोर्सेस का टॉर्क जीरो होगा उतना ही ज्यादा ये इक्वेशन सिंपल होगा बोलो बात समझे बेटा तो इसको मैंने मान लिया अगर एक्सिस तो फायदा क्या होगा देखो बेटा इसका टॉर्क जीरो इसका टॉक जीरो इसका टॉक जीरो क्योंकि ये सब यहीं से पास कर गया इसलिए क्या करूंगा मैं अबाउट ए जीरो करूंगा हालांकि तुम किसी के अबाउट करो आंसर सेम आएगा लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है बच्चा ऐसे पॉइंट को लो जहां कम से कम सॉल्व करना पड़े ठीक है। तो देखो बेटा अब बचा कौन ये बच गया बेटा और ये बच गया तो देखो ये इस वाले फोर्स को देखो और ये हमारा एक्सिस है बोलो बेटा ये वाला फोर्स इस वाले के अबाउट कैसे घुमाना चाहता है ऐसे खींचेगा ना ऐसे घुमाना चाहता है तो कैसे होगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज बोलो बेटा है ना और ये कैसे घुमाना चाहता है बेटा ये घुमाना चाहता है ऐसा बाकी का टॉर्क जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा बोलो तो कहेंगे एन इंटू बोलो बेटा ये कितना था डिस्टेंस ये तुमको मैं दिया था एल बाई फोर तो पूरा कितना हो गया ये हो गया 3L/4 है ना बेटा इसका टॉर्क तो माइनस एम जी cos 37 इंटू ये दूरी कितनी बेटा ये l by 2 बराबर जीरो बोलो बेटा होगा समझ बात समझ में आई तो क्या कह देंगे बेटा हम लोग नॉर्मल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चा 2/5 एम जी इंटू 4/3 है ना बेटा इसका मतलब 8/15 एम जी बोलो बेटा होगा इक्वेशन नंबर 3 बोलो बात समझ गए। अब इसको पुट कर लो इक्वेशन नंबर 2 में तो एफ वाई निकल जाएगा इनटू 2 पुट कर लेंगे बेटा तो एफ वाई निकल जाएगा बोलो है ना बेटा और एफ एक्स पहले ही निकल चुका है तो क्या हो जाएगा एफ बराबर स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर बोलो बेटा बात समझ में आ गई क्लियर लिख ले
नोट कर ले बच्चा। देखियो बच्चा डिस्कस नहीं करेंगे बेटा आज, चलो बच्चा इरेज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करो। देखो बेटा पता है बेटा, ऐसे एक रॉड रख दो, है ना। ये पता है बेटा हमें कि स्मूथ सरफेस है, और ये हमें पता है बेटा कि ये रफ सरफेस है। इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है बेटा, है ना। तो ठीक है बेटा, सवाल पूछता क्या, देखो सवाल कहता है फाइंड इंक्लाइनेशन ऑफ रॉड विथ हॉरिजॉन्टल, है ना बेटा। हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बनाएगा, समझा बच्चा। ठीक है, थीटा मिनिमम, कम से कम एंगल निकालना है बेटा, ये एंगल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, निकालो। दोनों सरफेस एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर हैं, यू है सरफेस। करो हर्स, हो सकता है तुम्हारा सही आंसर हो पहले वाले सवाल का, मैंने नहीं किया कैलकुलेशन। नहीं बच्चा देखो, तुम गलत लिख रहे हो बेटा, ये हिमांशु लिख रहा है कि उनके माँ बाप की गलती है। बेटा दुनिया में ऐसे कोई माँ बाप होते हैं क्या जो चाहते हैं उसके बच्चे खराब हो जाएं? दुनिया में ऐसे कोई माँ बाप नहीं होते बेटा, हर माँ बाप यही चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे हों, है ना। हर माँ बाप यही चाहते हैं बच्चे कुछ नालायक निकल जाते हैं, नालायक बेटा कुछ बच्चे निकल जाते हैं नालायक, निकलने दो, उनके माँ बाप की किस्मत खराब है, संस्कार नहीं बोलेंगे, उनके माँ बाप की किस्मत खराब बेटा। हो सकता है संगत हो, बेवकूफियां हो,
बाद में पछताएंगे, ऑब्वियस ही बात है बाद में पछताएंगे। हाँ बेटा रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। हाँ बेटा रॉड रेस्ट में है, यूनिफॉर्म रॉड है, लिख दे रहा हूं यहीं पे, यूनिफॉर्म रॉड इन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम, मास एम लेंथ एल। हालांकि आंसर मास के टर्म में नहीं आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में आएगा। बोलता काश वो भी टीचर बने और जो आपके साथ किया उसके साथ हो। नहीं मेरे साथ क्या बुरा हो बताओ, सोचो। बाकी 245 बच्चे अभी दिख रहे हैं वो मेरे साथ हैं, और एक बच्चे कोई नालायक है तो मैं उस नालायक का टेंशन लूं या बाकी जो 245 है उनका सोचूं? बोलो। ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ, गलत क्या हुआ? अच्छा हुआ, बुरा क्यों बोलेंगे बेटा। हाँ अगर 245 मेरे अपोधीन होते और एक दो गंदे अच्छे बच्चे होते मेरा सपोर्ट कर रहे होते तो मैं सोचता। चलो चलो बनाओ बनाओ। अच्छा अरे भाई मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकता, मैं चाहूं तो उसका आईडी निकाल करके, सही बोल रहे हो तुम, आईपी एड्रेस निकाल के पता कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे होगा? इससे करेंगे तो उसके माँ बाप को परेशानी ना होगा बेटा, और कुछ तो होगा नहीं। उस बच्चे का कुछ नहीं होगा ज्यादा बुरा, परेशानी उसके माँ बाप को होगी। एक बच्चे का आंसर आ भी गया, गैलेक्सी M30। नहीं बच्चा हम टीचर है ना, हम किसी भी कीमत पे किसी बच्चे का बुरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये मेरे धर्म के खिलाफ हो जाएगा बच्चा। तुम सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। श्रिया का आंसर आया, सूरज का आया आंसर। बेटा तुम फोर्स निकाल दिया सूरज, फोर्स नहीं निकालना है बेटा, चेक करो अच्छे से, हमें एंगल निकालना है बेटा। मुझे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तुम गोइस तो करो, मैं तो बताऊंगा ही। थैंक यू राहुल। अब क्वेश्चन बना फटाफट, थैंक यू बच्चा, लेकिन तू गुस्सा मनाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, है ना। आकाश का आंसर आया, शुभम का आंसर आया। रॉड नीचे नहीं आ रहा ना बच्चा, इक्विलिब्रियम है ना ये, हर्षद के बन गया। कोई बात नहीं, गंदी होने दो कॉपी, कॉपी गंदी नहीं है, वो तेरी मेहनत का सबूत है। कॉपी गंदा होने दो, काटा पीटी कितना भी होने दो। चलो मैं करता हूं, देखो देखो बेटा, देखो बच्चा, देखो देखो देख बच्चा, ये हमारा रॉड है ना, ये हमारा एंगल थीटा है। देखो बेटा यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ऐसे एमजी आएगा ना बेटा। अब देख बच्चा, यहां से आएगा नॉर्मल फोर्स, यहां से आएगा नॉर्मल फोर्स, है ना बेटा। लेकिन मुझे एक डाउट है कि नॉर्मल मैं कैसे लगाऊं, नॉर्मल यहां से ऐसे लगाऊं सरफेस के परपेंडिकुलर, या नॉर्मल ऐसे लगाऊं रॉड के परपेंडिकुलर, कौन सा लगाऊं, कौन सा लगाऊं बच्चा, सरफेस के परपेंडिकुलर या रॉड के? बोलो बोलो, सरफेस के बच्चा, है ना, क्योंकि जो कांटेक्ट में है वो रॉड का तो पॉइंट है। देखो ऐसे ना है बेटा कांटेक्ट में, बोलो
कि नहीं, ऐसे जब कॉन्टेक्ट में है तो रॉड का तो पॉइंट ही ना कॉन्टेक्ट में आया। देखो ऐसे जब कॉन्टेक्ट में है बच्चा तो रॉड का पॉइंट ही कॉन्टेक्ट में आया बेटा, सरफेस तो इसी का है ना, बोलो। इसलिए नॉर्मल बेटा ऐसे लगाएंगे, समझ में आया बेटा? ठीक है, तो नॉर्मल हमारा ऐसे हो गया बेटा एन वन, और यहां से बेटा ऐसे मान लिया नॉर्मल, ये हो जाएगा बेटा एन टू। अब मुझे बताओ ये पॉइंट बेटा किधर फिसलना चाहेगा, बोलो बोलो। अगर इक्विलिब्रियम में ना हो तो किधर फिसलना चाहेगा, लेफ्ट या राइट? ऐसे जाना चाहेगा ना, ऐसे जाना चाहेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा बेटा, कितना? म्यू एन टू। म्यू एन टू क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि मुझे एंगल निकालना था कम से कम, मिनिमम एंगल के लिए तो एंगल नहीं फ्रिक्शन लेंगे बेटा मैक्सिमम। ठीक है, ये ऐसे करो, तुम यही मत मानो, तुम ऐसे ही लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ एस। स्लाइड नहीं किया ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ एस। ठीक है बच्चा, सारा फोर्स लग गया बेटा। अब चलो देखो, पहले बात करेंगे बच्चा हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। तो देख बच्चा, ट्रांसलेशनल अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या लिखेंगे, बोलो? एन टू बराबर एम जी, एन टू बराबर एम जी है ना बेटा, और हॉरिजॉन्टल में ये एफ एस और ये एन वन, तो एन वन बराबर एफ एस, इक्वेशन नंबर टू है ना बेटा। ठीक है, अब चलो मुझे करना है बेटा, अब मुझे करना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो कोई बताओ मुझे बेटा, इस बार हम किसके अबाउट करें? ये तो पता ही है तुमको ना कि किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं। किसके अबाउट करने में फायदा है? बिल्कुल सही से कहा संस्कार ने, इसके अबाउट। बोलो बच्चा, इसके अबाउट ना बेटा, बोलो, है कि नहीं? क्योंकि देखो इस वाले पॉइंट से दो फोर्स पास कर रहे बेटा, फायदा मिलेगा ना हमको? बोलो बच्चा, फायदा मिलेगा ना हमको? तो क्या करेंगे, इन दोनों का टॉर्क बेटा जीरो। अब देखो ये वाला फोर्स जो है बेटा वो ऐसे घुमाना चाहता है, ये ऐसे घुमाना चाहेगा ना बेटा, और ये वाला फोर्स ऐसे घुमाना चाहता है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, बोलो? नेट टॉर्क जीरो। इसका टॉर्क लिखो एम जी इंटू, ये कितना होगा? ये होगा एल बाई टू कॉस थीटा, है ना बेटा? ठीक है, और ये रहा हमारा नॉर्मल, तो एन वन इंटू ये कितना बच्चा, बोलो? तो एन वन इंटू ये एल, तो ये हो जाएगा बच्चा एल साइन थीटा, एन वन इंटू एल साइन थीटा होगा बेटा। ठीक है, दोनों का टॉर्क देख बेटा है ना अपोजिट, इसलिए माइनस बराबर जीरो। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल गया, बोलो? एन वन निकल गया बेटा, कितना हो गया? एम जी बाई टू कॉट थीटा। बोल बेटा, होगा? होगा, एन वन निकल गया बच्चा। ठीक है, अब देखो इस एन वन को यहां पुट कर दो, है ना बेटा, इक्वेशन नंबर टू में। इसका मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे एफ एस बराबर एम जी बाई टू कॉट थीटा। बोलो बेटा, ठीक है ना? और हम सब लोग जानते हैं बच्चा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है ना बेटा। एफ एस की वैल्यू पुट कर लें, कितना हो गया, एम जी बाई टू कॉट थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एन, कितना? बोलो, तो जहां का फ्रिक्शन बेटा वही का नॉर्मल, तो म्यू एन टू लेंगे ना बेटा। एन टू हमारा कितना था देखो, एम जी, तो ये हो गया बेटा हमारा एम जी। इसका मतलब कितना आ गया, कॉट थीटा लेस देन इक्वल टू टू म्यू। बोलो बेटा, है बेटा, कॉटा क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू टू म्यू। इसका मतलब टैन थीटा क्या हो गया बेटा, तो कहेंगे मोर देन इक्वल टू वन बाई टू म्यू, थीटा मोर देन इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वन बाई टू म्यू। तो कम से कम के लिए क्या करोगे, इक्वल टू, कम से कम के लिए इक्वल टू बच्चा। ठीक है, लिख लो, नोट कर ले बच्चा। तो देख बेटा, एक्स्ट्रा होमवर्क कोई नहीं दे रहा तुम लोगों में, जो पहले का होमवर्क था उसी को पूरा करो, है ना, जो पहले होमवर्क था उसी को कंप्लीट करो। ठीक है, चलो इतना ही आज के लिए बच्चा, बाय, छुट्टी कर रहा हूं। अच्छा पुलकित पूछ रहा है एन टू एम जी कैसे हुआ, अरे बेटा एन टू ऊपर एम जी नीचे, ऊपर नीचे का फोर्स बराबर ना, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है ही बेटा,
है ना। चलो बाय बच्चा, हैव ए गुड डे। अच्छा बात करना है शिवम को, बोल बच्चा शिवम। सर आपने एनन परपेंडिकुलर का क्या रीजन बताया सर, थोड़ा नेटवर्क इशू था। रॉड को देखो और सरफेस को देखो, है ना बेटा। यस सर। जो कांटेक्ट में है ना, वो रॉड का पॉइंट है कि सरफेस है? सर पॉइंट। पॉइंट है ना बेटा, सरफेस तो दीवार का है ना। यस सर। तो दीवार का लगेगा फोर्स परपेंडिकुलर। यस सर। यस थैंक यू सर। पुलकित बच्चा इधर, मीटिंग बंद कर रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग बंद कर रहा हूँ।